जयराम जी मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं। महिला कांग्रेस बाहर बैठ के क्या काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करते हो। जब एहसास हुआ तो आप 10 मिनट के अंदर वॉकआउट करके अंदर आ गए, 10 मिनट में आ गए। मेरे ख्याल जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है या उनकी अपने विधायकों पर पकड़ नहीं रही है। नियम 67 क्या कहता है कि ऐसी स्थितियां जहां प्रदेश की हालत बहुत नाजुक होने जा रही है, आपदा से संबंधित होती है और कई चीजों से संबंधित होती है, उस पर चर्चा लाई जाती है। महज बद्दी की घटना को आधार मानकर आप नियम 67 के तहत चर्चा लाना चाह रहे हैं, फिर उस नियम 67 का अहमियत क्या रह जाएगी जो और नियमों के तहत चर्चा होती है। नियम 67 पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव, यानी कि प्रदेश में सभी काम काज छोड़कर, सभी प्रकार के काम काज छोड़कर इस पर चर्चा लाई जा सकती है जब बहुत गंभीर चिंता का विषय होता है। ऐसा जयराम जी मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं, उन्हें यही चर्चा 130 पर लानी चाहिए थी, हम उस पर तैयार हैं। अब आपदा पर चर्चा आए, फिर मेरे को लगता कि जब नीचे नारे लगाने के बाद पता लगा कि यह हम तो गलत हो गए हैं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा ला रहे हैं तो कंगना रनौत का जी का भी बयान है उसमें, और भी घटनाएं घट रही है, महिला कांग्रेस बाहर बैठ के क्या काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करते हो, तो आपको जब एहसास हुआ तो आप 10 मिनट के अंदर वॉकआउट करके अंदर आ गए, 10 मिनट में आ गए। मतलब उन्होंने वॉकआउट दर्ज करवाना था, चर्चा में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। प्रदेश में विकट आपदा आई है, प्रदेश के दूसरे साल में आपदा आई है, तकरीबन 60 के करीब लोग मिसिंग है जिसमें से कुछ की डेड बॉडीज मिल चुकी है, अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष सार्थक चर्चा करे, सरकार के ध्यान में बातें लाए, हम उनका हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्हें फैसला पहले यही करना चाहिए था, एक तरफ आप आपदा का नोटिस 130 के तहत दे रहे हो, एक तरफ आप सब काम काज छोड़कर बोल रहे हो कि 67 पर चर्चा की जाए। मेरे ख्याल जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है या उनकी अपने विधायकों पर पकड़ नहीं रही है। इस प्रकार की वारदात और इस प्रकार की जब चर्चाओं पर हिस्सा लेने की बात आती है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, ये मैं कहना चाहूँगा।